इस दरमियान हमारे हैदराबाद शहर में लोगों को एक रोडों पे बैठने की आदत हो गई, साइकिल मोटरों पे बैठ रहे और गैर जरूरी होटलों के सामने बैठ जा रहे हैं, और होटल के एस्टेब्लिशमेंट भी, दूसरे एस्टेब्लिशमेंट भी टाइम पे बंद हो रहे। ये सीपी साहब पर्सनली ये अपने एरिया में पर्सनली पेट्रोलिंग करके देखे और सीपी साहब के इंस्ट्रक्शन पे ये गलत हो रहा है और ये बेसिक पॉलिसिंग नहीं है, बल्कि पूरे 8 टीम्स तैयार किए गए जोन में। 8 टीम्स में 8 इंस्पेक्टर्स और सुपरिटेंडेंट, 2 एसीपी और एडिशनल डीसीपी, मैं और डीसीपी साहब भी एरिया में फिर रहे हैं और सीपी साहब भी एरिया में फिर रहे हैं। आप लोग देख चुके हैं, सीपी साहब भी एरिया में फिर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद पब्लिक में कॉन्फिडेंस लेके आना है कि पुलिस आपके बीच है, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो 100 डायल करके पुलिस को कॉल कर सकते हैं। लैंड ऑर्डर कंट्रोल में है और हम पुलिस वाले रात दिन और अपने आपके बीच में है, बल्कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए व्हीकल्स का फ्लैग मार्च किया गया है। और हम आवाम से भी, अपने शहर के आवाम से भी अपील करते हैं कि गैर जरूरी अपने घरों के बाहर साइकिल मोटरों पे और रोडों पे कुर्सियां डाल के ना बैठे, कुछ इमरजेंसी रहे तो ही बाहर निकले। अगर गैर जरूरी कोई अपन हमारे को मिला तो हम उसको पोल्यूशन ले जाएंगे, पोल्यूशन ले आके उसमें न्यूसेंस, ये भी एक किस्म का न्यूसेंस है, हम न्यूसेंस एक्ट में बुक करेंगे और काउंसलिंग करके उनके वालदैन को बुला के असल ये बच्चा क्यों बाहर निकला था वो भी हम उनको भी काउंसलिंग करके हम उनको वापस भी जाएंगे। लिहाजा अपने वालदैन को अपने बच्चों से टाइम पे घर आ जाने के लिए हिदायत देने के लिए हम अपील कर रहे हैं। सर टाइमिंग क्या है सर, आज से क्लोजिंग टाइमिंग क्या है? क्लोजिंग टाइम 10:30 to 11 के दरमियान पूरे एस्टेब्लिशमेंट बंद कर लेना, 12 o'clock 11:30 to 12 के अंदर पूरे बंद कर लेके 12 को बाहर चले आना होटल। कौन से दुकान है सर? अब 10:30 to 11 तक अपन को ये एस्टेब्लिशमेंट अपने रेस्टोरेंट छोड़ के 11:30 to 12 तक रेस्टोरेंट है, वही शॉप तो 11 बजे तक है, वो बार शॉप तो 12 बजे तक है। वो अपन तो एक आधा घंटा पहले क्यों शुरू कर रहे बोले तो वो नहीं तो 12 बजे शुरू करके 12:30 तक ये लोग टाइम ले रहे थे, वैसा नहीं होना, बल्कि आधा घंटा पहले से शुरू कर रहे हम। ठीक है सर।